वेलकम यू ऑल इन द सब्जेक्ट फंडामेंटल्स ऑफ मैकेल इंजीनियरिंग एंड मैकेट्रॉनिक्स बीटेक फर्स्ट ईयर एकेटीयू यूनिट नंबर फोर हम लोगों की चल रही है और इसका एक लेक्चर हम ऑलरेडी कर चुके हैं आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर टू की तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ लेक्चर नंबर वन में कौन कौन से टॉपिक्स हमारे कवर हो गए हैं अगर आप चाहें तो प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा लेक्चर वन में हमारा जी फर्स्ट वाला पार्ट था ये कम्प्लीट हो गया जिसमें हमने बात करी थी मेजरमेंट एंड एरर की प्रिसीजन की एक्यूरेसी की एंड मेजरमेंट ऑफ प्रेशर टेम्परेचर मास फ्लो रेट एटसेट्रा आज लेक्चर नंबर टू में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लिमिट फिट एंड एंड टॉलरेंस और लास्ट में मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी बताऊंगा तीन इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी को पहले हम समझेंगे यहाँ पर कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी है जो हमको समझने की जरूरत है एक्चुअली लिमिट फिट टॉलरेंस की हम बात करते हैं जब एक असेंबली बनती है जैसे कि मान लीजिए एक शाफ्ट है ये कोई एक शाफ्ट है और ये एक होल है ये शाफ्ट इस होल के अंदर क्या हो जाएगी शिफ्ट हो जाएगी यानी कि यहाँ पर क्या होगा एक मेटिंग दो मेटिंग पार्ट्स हैं एक शाफ्ट और एक होल है एक असेंबली बनेगी शाफ्ट क्या हो जाएगा मेल मेंबर और होल क्या हो जाएगा यहाँ पर फीमेल मेंबर है ना तो यहाँ पर हम समझेंगे कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी मान लीजिए अः मैनुफैक्चरिंग हो रही है और कोई शाफ्ट मैन्युफैक्चरिंग करनी है मान लीजिए एक लाख एक लाख कंपोनेंट्स बनाने हैं आपको एक लाख शाफ्ट प्रोड्यूस करनी है अब एक लाख शाफ्ट जब प्रोड्यूस करेंगे तो क्या उनकी डायमेंशन सेम हो सकती है मान लीजिए जस्ट फॉर द दर्पज ऑफ अंडरस्टैंडिंग कोई शाफ्ट आपको प्रोड्यूस करनी है कोई शाफ्ट आपको मेजर करना मैनुफैक्चर करनी है और जिसका जो बेसिक साइज है वो मान लीजिए कितना है ट्वेंटी mm है है ना ट्वेंटी mm mm है एक लाख शाफ्ट प्रोड्यूस करनी है तो सेम डायमीटर की शाफ्ट हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं. तो यहाँ पर कुछ वेरिएशन चाहिए कुछ लिमिट चाहिए यानी कि तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ट्वेंटी फाइव प्लस माइनस यू नो जीरो पॉइंट वन तो यहां से आपको uh, बोला जाएगा फिर कि ठीक है कि ठीक है ट्वेंटी फाइव mm एम डायमीटर की शाफ्ट तो नहीं बन सकती तो कुछ हम आपको अपर लिमिट और लोअर लिमिट दे देते हैं तो आपने को यहाँ पर वेरिएशन मिल जाएगा ट्वेंटी प्लस माइनस जीरो पॉइंट वन यानी कि इसकी मैक्सिमम लिमिट कितनी हो जाएगी ट्वेंटी फाइव पॉइंट वन और मिनिमम लिमिट कितनी हो जाएगी ट्वेंटी फाइव में से जीरो पॉइंट वन को माइनस कर दीजिए यानी कि ट्वेंटी फोर पॉइंट नाइन अब आपको क्या करना है जितनी भी शाफ्ट प्रोड्यूस होंगी उनका डायमीटर कितना होना चाहिए मैक्सिमम 25.1 और मिनिमम 24.9 इनके बीच में उसकी डायमेंशंस होनी चाहिए नाउ चलिए समझते हैं बाकी हम आगे धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ेंगे हमको चीजें समझ में आती चली जाएंगी सबसे पहले हम बात करेंगे नॉमिनल साइज की तो साइज ऑफ दी पार्ट स्पेसिफाइड इन ड्राइंग यानी कि जो पार्ट का साइज हम ड्राइंग में स्पेसिफाई करते हैं दैट इज नोन एज नॉमिनल साइज ये बेसिक साइज क्या होता है सेकंड वन इज बेसिक साइज साइज ऑफ ए पार्ट टू विच ऑल लिमिट्स यानी कि जो वेरियंस होते हैं वो हम अप्लाइड करते हैं जैसे कि इसका बेसिक साइज कितना है बच्चे ट्वेंटी 25. 25 क्या करेंगे हम यू नो टॉलरेंस अप्लाई अप्लाई करेंगे करेंगे वेरिएशन जैसे कि हमने इसमें प्लस कर टॉल अपने जीरो पॉइंट वन तो ट्वेंटी जो है यहाँ पर वो बेसिक साइज है एक्चुअल साइज क्या होता है माई डियर स्टूडेंट्स देखो मैनुफेक्चरिंग होने के बाद मैनुफेक्चरिंग होने के बाद जब आप शाफ्ट का डायमीटर मेजर करेंगे तो वो कहलाएगा एक्चुअल साइज और एक्चुअल साइज क्या होना चाहिए हमेशा 25.1 से से कम होना चाहिए, से होना चाहिए, चाहिए, 24.9 ज़्यादा हो जाएगी रिजेक्ट हो जाएगी रिजेक्ट है बाद चलिए नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी है डिजाइन कर रहे हैं तो वहां पर दो एक्सट्रीम परमिशिबल लिमिट हैं देर आर टू एक्सट्रीम परमिशिबल साइज

25.1 क्या होगा यहाँ पर ये एक्सट्रीम यू नो परमिसिबल लिमिट लार्जेस्ट परमिसिबल है साइज इसका तो ये क्या हो जाएगी अपर लिमिट हो जाएगी या फिर मैक्सिमम साइज हो जाएगा या फिर इसको हम कहेंगे मैक्सिमम लिमिट जो स्मॉलेस्ट साइज होता है उसको हम कहते हैं लोअर और मिनिमम लिमिट तो यहाँ पर जो 24.9 था ये क्या है इसकी लोअर लिमिट है है ना ये क्या हो जाएगी इसकी लोअर लिमिट हो जाएगी या फिर मिनिमम लिमिट हो जाएगी तो ये दो तरह है, दो इसकी परमिसिबल साइज uh, uh, दो परमिसेबल लिमिट होती हैं अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट नाउ व्हाट इज अलावेंस एलावेंस क्या होता है डियर स्टूडेंट्स ये होता है मिनिमम या फिर मैक्सिमम इंटरफेरेंस इंटरफेरेंस क्या क्या होता है? क्या होता है है अभी हम आगे समझने का प्रयास करेंगे तो अलाउवेंस क्या बच्चे मिनिमम क्लियरेंस शाफ्ट और होल के बीच में शाफ्ट और होल के बीच में जो मिनिमम क्लियरेंस होता है मिनिमम क्लियरेंस होता है वो कहलाता है अलाउवेंस है ना एंड इट इज इंटेंशनली गिवन

अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच का डिफरेंस है ये कहलाता है टॉलरेंस क्या कहलाता है देखो ये शाफ्ट है ना ये शाफ्ट की अपर लिमिट हो गई ये शाफ्ट की लोअर लिमिट हो गई अपर लिमिट और लोअर लिमिट का जो डिफरेंस होता है वो कहलाता है बच्चे टॉलरेंस क्या कहलाता है टॉलरेंस इसी तरह से बच्चे ध्यान दो यहाँ पर जो ये होल है होल की ये लोअर लिमिट है होल की ये अपर लिमिट है तो होल की अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होल की जो अपर लिमिट है और लोअर लिमिट का जो डिफरेंस होगा वो क्या कहलाएगा होल के लिए टोलर ट्रेंस कहलाएगा मैंने आपको बताया था भी अलाउंस क्या होता है तो जो क्लीयरेंस होता है मिनिमम यू नो मिनिमम क्लीयरेंस क्या बताया था मैंने आपको यहां पर देखिए जरा अलाउंस के बारे में मैंने बताया था आपको यस दिस वन मिनिमम क्लीयरेंस है ना मिनिमम क्लीयरेंस जो होता है शाफ्ट और होल के बीच में कहलाता है अलाउंस तो यहां पर आप देखें जरा यही तो मिनिमम क्लीयरेंस होगा मिनिमम क्लियरेंस होगा शाफ्ट और होल के बीच में क्या हो जाएगा यह मिनिमम क्लियरेंस हो जाएगा यानी कि लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट माइनस अपर लिमिट ऑफ सॉरी यू नो लोअर लिमिट ऑफ होल माइनस अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट क्या हो जाएगा अलावेंस हो जाएगा

कहते हैं टॉलरेंस द टॉलरेंस और मेंटरल ध्यान दीजिए टॉलरेंस जो है वो यूनिलेटरल भी हो सकता है बाइलेटरल भी हो सकता है जैसे यहां पर समझिए ध्यान से समझिएिटर का केस मैं आपको बताता हूं पहले अकर्स बोथ मैक्सिमम लिमिट एंड मिनिमम लिमिट्स आर आइदर दर और बिलो द बेसिक साइज एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर जरा ये कोई एक एग्जाम्पल है जिसका बेसिक साइज कितना है ट्वेंटी और यहाँ पर इसकी लिमिट कितनी है यहाँ पर देखिए प्लस जीरो पॉइंट वन फाइव प्लस जीरो पॉइंट वन जीरो हो गया इसका बेसिक साइज़ right? है, हो है. है. अपर लिमिट भी बेसिक साइज से ज्यादा है तो ये क्या हो जाएगा यूनि लेटर का केस हो जाएगा बेसिक साइज कितना हो गया ट्वेंटी अपर लिमिट कितनी हो जाएगी ट्वेंटी फाइव प्लस जीरो पॉइंट लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी ट्वेंटी फाइव प्लस जीरो तो यहाँ पर अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों बेसिक साइज से ज्यादा हैं इसलिए ये यूनिलेटरल है इसलिए क्या है यूनिलेटरल है अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं ये अपर लिमिट है ये लोअर लिमिट है, है इन दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए तो क्या मिल जाएगा हमको टॉलरेंस टॉलरेंस क्या होता है हमेशा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट दूसरा केस ये हो सकता है बच्चे यहाँ पर देखिए ये दूसरा केस है ट्वेंटी फाइव इसका बेसिक साइज है माइनस यहां पर कितना लिखा माइनस जी, जीरो पॉइंट माइनस जीरो पॉइंट टू जीरो तो बेसिक साइज आ जाएगा mm, ट्वेंटी और लोअर लिमिटी ट्वेंटी जीरो पॉइंट टू जीरो ट्वेंटी फोर पॉइंट एट है ना? तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों क्या है बेसिक साइज से कम है अगर दोनों लिमिट अपर लिमिट और लोअर लिमिट बेसिक साइज से क्या है कम है तो वो भी यूनिलिटर का ही केस होगा है ना जैसे यहाँ पर देखेंगे आप तो ये तो हो गया इसका नो बेसिक साइज ये बेसिक साइज था तो अपर लिमिट ये हो गई लोअर लिमिट हो गई दोनों ही क्या है बेसिक साइज से कम है तो ये भी क्या है यूनि का केस है एक और इसमें स्पेशल केस बनेगा यूनि में देखो एग्जाम्पल यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर देखिए जरा ये फाइव हो गया बेसिक साइज और इसकी अपर लिमिट कितनी हो जाएगी 25.20 लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी 25.0 यानी कि जो इसकी लोअर लिमिट है जब लोअर लिमिट बेसिक साइज से कॉन्साइड कर जाती है तो ये भी यूनिलेटरल है या फिर हम ये कह सकते हैं बेसिक साइज कितना है 25 इसकी अपर लिमिट कैसा आएगी इसमें ऐड कर देंगे जीरो तो ट्वेंटी तो यहाँ पर अपर लिमिट क्या है बेसिक साइज से कॉन्साइड कर गई तो ये भी यूनिलेट्रल का केस है है so, तो का मतलब है बच्चे कि जब दोनों अपर लिमिट लोअर लिमिट या तो बेसिक साइज से कम हो या से से कम basic size से कम हो हो दोनों या फिर basic size से अपर लिमिट या लोअर लिमिट बेसिक साइज से कॉन्साइड कर जाए नेक्स्ट बने आपका बाइलेटरल है ना बाइोलेटरल का मतलब दोनों साइड बाइलेटरल मतलब दोनों साइड बायोलेटरल मैक्सिमम लिमिट इज अब द और मिनिमम लिमिट इज बिलो द बेसिक साइज बेसिक साइज से ज्यादा होगी अपर लिमिट और लोअर लिमिट बेसिक साइज से कम होगी फॉर एक्साम्पल ट्वेंटी फाइव प्लस माइनस जीरो पॉइंट जीरो फोर ट्वेंटी फाइव हो गया बेसिक साइज ट्वेंटी फाइव हो गया बेसिक साइज इसमें एड कर देंगे जीरो पॉइंट जीरो फोर तो आपको मिल जाएगा ट्वेंटी फाइव पॉइंट जीरो फोर इसका अपर लिमिट और इसमें माइनस कर देंगे जीरो पॉइंट जीरो फोर तो आपको मिल जाएगी लोअर लिमिट है ना तो इनका डिफरेंस ले लेंगे ले ले तो क्या मिल जाएगा आपको टॉलरेंस मिल जाएगा तो ध्यान से देखो यहाँ पर इस बार ये हो गया बेसिक साइज और ये होगी अपर लिमिट जो कि बेसिक साइज से ज्यादा है ये हो ना साइड दी हुई है एक क्वेश्चन से आप समझने का प्रयास कीजिए अ डायमीटर ऑफ ये डायमीटर आपको दिया हुआ है इस, इस शाफ्ट आपको मेजर करनी है दि शाफ्ट अ बेसिक साइज तो हम यहां से बता सकते हैं इस इन्फॉर्मे से हमको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि जो शाफ्ट का बेसिक साइज है वो कितना है 20 40 एमएम एम है प्लस माइनस पहली बात तो ये बायोलिटरल का केस है इसमें 40 में आप एड कर देंगे 0.20 तो आपको मिल जाएगी अपर लिमिट 40.02 माइनस कर देंगे 0.02 तो आपको मिल जाएगी लोअर लिमिट 39.98 अपर लिमिट और लोअर लिमिट का डिफरेंस ले लेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको टॉलरेंस मिल जाएगा क्लियर है ये बात चलिए ठीक है अगर क्लियर नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं और जो आपका ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं और भी टर्मिनोलॉजी है जिनको हम समझने का प्रयास करते हैं जैसे जीरो लाइन क्या होती है डेविएशन क्या होता है एक्चुअल डेविएशन, अपर डेविएशन एंड लोअर डेविएशन क्या होता है मेन डेविएशन क्या होता है फंडामेंटल डेविएशन क्या होता है समझते हैं एक डायग्राम से कोई टेंशन नहीं है आ जाएगा समझ में देखो ये है शाफ्ट है ना और ये है होल राइट right? ये शाफ्ट और होल का बेसिक साइज है दोनों के लिए कॉमन है बेसिक साइज है ना जो ग्रीन कलर की लाइन से आप देख रहे हैं दिस इज द बेसिक साइज अब मैं आपको बता देता हूं जीरो लाइन जीरो लाइन क्या होती है बच्चे देखो ये जो आपने देखा अभी ग्रीन कलर से ग्रीन कलर की जो लाइन है ये है. के ये बेसिक बेसिक साइज साइज है के जो आप रेड कलर लाइन लाइन देख रहे हैं दिस इज जीरो स्ट्रेट लाइन क्रॉस्पॉन्डिंग टू बेसिक साइज मैं रिपीट कर रहा हूं ये जो रेड कलर की आप लाइन देख रहे हैं बच्चे रेड कलर की जो लाइन देख रहे हैं दिस इज स्ट्रेट लाइन क्रॉसपोन्डिंग टू बेसिक साइज इज नोन एज जीरो लाइन और इसी लाइन के रेस्पेक्ट में हम क्या करते हैं डेविएशन को मेजर करते हैं एक बार रीड करेंगे जरा यहां पर आप जीरो लाइन के बारे में इट इज अ स्ट्रेट लाइन करस्पोंडिंग टू बेसिक साइज बेसिक साइज के करस्पोंडिंग जो स्ट्रेट लाइन है उसी को हम जीरो लाइन कह रहे हैं द डेविएशंस आर मेजरड फ्रॉम दिस लाइन इसी लाइन से हम डेविएशन को मेजर करते हैं अब आगे देखते हैं देखो अब आपको बच्चे समझना है कि अपर डेविएशन क्या होता है और लोअर डेविएशन क्या होता है समझो ये शाफ्ट की बात मैं कर लेता हूं और जब मैं शाफ्ट के बारे में आपको बता दूंगा तो होल के बारे में भी बिल्कुल इसी तरह से होगा ये शाफ्ट है शाफ्ट का ये बेसिक साइज हो गया था ये शाफ्ट का मिनिमम साइज होगा और ये शाफ्ट का हो जाएगा मैक्सिमम साइज आप जानते हैं एक लोअर लिमिट होगी एक अपर लिमिट होगी Now my dear students, मैं आपको बता रहा था upper deviation and lower deviation क्या होते हैं। जो अपर डेविएशन कलर की लाइन है ये क्या बता रही है आपको बेसिक साइज है ना ये देखिए ग्रीन कलर वाली जो लाइन है यहाँ से ये ये ग्रीन कलर जो ग्रीन कलर जो बेसिक साइज कोरोस्पोंग थी ना जीरो लाइन तो जीरो लाइन ये हो गई यानी कि बेसिक साइज साइज और ये हो गया मैक्सिमम इन दोनों का जो डिफरेंस है ना बच्चे ये है अपर डेविएशन ये अपर डेविएशन है ठीक है ये क्या हो जाएगा अपर डेविएशन हो जाएगा दूसरी चीज लोअर डेविएशन क्या होगा बच्चे ये देखो ये है मिनिमम साइज और ये था यहाँ तक बेसिक साइज है ना ये तो ये जो डिफरेंस है बेसिक साइज और मिनिमम साइज का जो डिफरेंस है वो क्या कहलाएगा लोअर डेविएशन कहलाएगा क्या कहलाएगा लोअर डेविएशन कहलाएगा मैं रिपीट कर रहा हूं बच्चे देखो ये जो जो रेड लाइन है ना ये वाली ये किसको बता रही है बेसिक साइज को तो बेसिक साइज और मैक्सिमम साइज का जो डिफरेंस है ये है आपका अपर डेविएशन

तो जो अपर डेविएशन लोअर डेविएशन में से जो कम होगा अपर डेविएशन लोअर डेविएशन में से जो कम होगा मिनिमम मिनिमम

के केस में जो आएगा बच्चे वो लोअर डेविएशन बन जाएगा लोअर फंडामेंटल डेविशन बन जाएगा क्योंकि लोअर डेविशन की वैल्यू कम है देखो यहां पर और अपर डेविशन की वैल्यू ज्यादा है मैंने क्या बताया आपको अपर या लोअर डेविएशन में से जो भी कम होगा वो फंडामेंटल डेविएशन होगा यहां पर देख लीजिए देखो ये लिखा हुआ है अपर क्या है? और का जो डिफरेंस है वो क्या है अपर डेविशन है अब क्या होगा? एलजेब्रिक डिफरेंस बिटवीन मिनिमम साइज एंड बेसिक साइज है ना ये हो जाएगा आपका लोअर डेविशन मेन डेविशन क्या होगा बच्चे इन दोनों का अर्थमेटिक मीन लोअर डेविएशन अपर डेविएशन का अरिथमेटिक मीन क्या हो जाएगा एवरेज क्या हो जाएगा मेन डेविएशन उसके बाद फंडामेंटल डेविएशन को क्या बताया मैंने जो भी इनमें से कम होगा दिस इज द डेविएशन आइदर अपर और लोअर डेविएशन व्हिच इज नियरेस्ट वन टू द जीरो लाइन है ना जो जीरो लाइन के पास में होगा यानी कि जो मिनिमम होगा अपर या लोअर डेविएशन में से वही क्या हो जाएगा आपका फंडामेंटल डेविएशन है ना तो ये आपको आई होप कि आपको ये बात क्लियर हो गई होगी नाउ व्हाट इज फिट है ना फिट कब बनेगी बच्चे जब यू नो शाफ्ट और होल यू नो एक असेंबली बनेगी तो वहां पर क्या होती है फिट बनती है तो डिग्री ऑफ ऑफ टाइटनेस टाइटनेस डिग्री और डिग्री ऑफ लूजनेस बिटवीन टू मेटिंग पार्ट्स इज नोन एज फिट समझ रहे हो फिट क्या है इट इज द डिग्री ऑफ टाइटनेस और डिग्री ऑफ लूजनेस बिटवीन टू मेटिंग पार्ट्स दो मेटिंग पार्ट्स हैं यहाँ पर एक होल और एक असेंबली

देखो ये तो हो गई शाफ्ट ये हो गई शाफ्ट ओके ये हो गई शाफ्ट और बच्चे ये हो गया होल दिस इज द होल बना देता हूं मैं यहाँ पर दिस इज दी होल मैंने आपको बताया कि शाफ्ट और होल की दोनों की अपनी अपनी लोअर लिमिट होंगी और अपर लिमिट भी होंगी तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है बच्चे टॉलरेंस तो ये हो गया बच्चे टॉलरेंस किसके लिए शाफ्ट के लिए ब्लू कलर से दिखा रहा हूं मैं टॉलरेंस और ये हो गया होल के लिए टॉलरेंस अब मैं बात कर रहा हूं बच्चे क्लियरेंस फिट की क्लियरेंस फिट में क्या रहेगा हमेशा क्लियरेंस रहेगा होल और शाफ्ट के बीच में हमेशा क्लियरेंस रहेगा होल और शाफ्ट के बीच में और मिनिमम क्लियरेंस कितना रहेगा बच्चे यहां पर हम बात करेंगे मिनिमम क्लियरेंस कितना हो सकता है मैक्सिमम क्लियरेंस कितना हो सकता है देखो समझो अब देखो मिनिमम क्लियरेंस कितना होगा यही होगा ना मिनिमम क्लियरेंस शाफ्ट और होल के बीच में कब कि भाई जब शाफ्ट की हम बात करें अपर लिमिट की शाफ्ट की अपर लिमिट शाफ्ट जो मैन्युफैक्चर हुई वो अपर लिमिट पे हुई और होल जो मैन्युफैक्चर हुआ हुआ वो लोअर लिमिट पे तो शाफ्ट की अपर लिमिट और होल की लोअर लिमिट यही हुई ना शाफ्ट की अपर लिमिट और होल की लोअर लिमिट का जो डिफरेंस होगा वो मिनिमम क्लियरेंस होगा यहाँ पर लिखा है देखो मिनिमम क्लियरेंस मिनिमम क्लियरेंस इज इक्वल टू यू नो लोअर लिमिट ऑफ होल माइनस अपर लिमिट लिमिट ऑफ ऑफ शाफ्ट लोअर होल माइनस अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट मैक्सिमम लिमि कितना हो सकता है कि भाई जब शाफ्ट को डिजाइन करोगे लोअर लिमिट पे और होल को डिजाइन करोगे मैक्सिमम लिमिट पर है ना अपर लिमिट पर डिजाइन करोगे तो ये हो जाएगा आपका मैक्सिमम क्लियरेंस क्या हो जाएगा मैक्सिमम क्लियरेंस अपर लिमिट ऑफ होल माइनस लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट अपर लिमिट ऑफ होल माइनस लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट तो ये होगी बच्चे आपकी क्लियरेंस फिट और आप ध्यान से अगर देख पा रहे हैं बच्चे यहां पर ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तो इन दोनों के जो टॉलरेंस जोन है ये किसका टॉलरेंस जोन मैंने बताया ये देखिए ये किसका टॉलरेंस जोन है शाफ्ट का ये किसका टॉलरेंस जोन है होल का तो ये जो टॉलरेंस जोन है ये कभी भी मीट नहीं करते आपस में कभी भी ओवरलैप नहीं कर सकते

अगर आपको डिफाइन करना पड़ जाए कि क्लियरेंस फिट क्या होती है तो आप लिख देना है तो उसको हम क्लियर फिट कहते हैं यानी कि शाफ्ट की यू नो अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट इज लेस देन लोअर लिमिट ऑफ होल है ना अगर ऐसा है तो वो क्लियरेंस फिट है हमेशा इसमें क्या रहेगा एक क्लियरेंस लगेगा क्लियरेंस रहेगा दोनों के बीच में है ना तो यहाँ पर अगर क्लियरेंस फिट होगा तो बच्चे हम बात करेंगे मैक्सिमम की और मिनिमम की बताओ क्लियर है ये बात बात आपको चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट करते हैं बच्चे ट्रांजिशन फिट चलिए ट्रांजिशन फिट और इसका यू नो क्लियरेंस फिट को डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एनिमेशन दिखाता हूँ होल हो गया तो इस होल के अंदर है कि ये शाफ्ट है तो ये अगर क्लियरेंस फिट होगी तो ये शाफ्ट इजीली क्या होगी इसके अंदर चली जाएगी यानी कि ये क्या है लूज रनिंग फिट है शाफ्ट और होल के बीच में हमेशा क्या रहेगा एक गैप रहेगा क्लियरेंस रहेगा ये इसमें कोई फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है शाफ्ट होल के अंदर इजीली क्या हो जाएगी फिट हो जाएगी ये है लूज रनिंग फिट है ना इसमें देखेंगे यहाँ पर ट्रांजिशन फिट ये हो गया होल और इसके अंदर जो है ये शाफ्ट रहेगी लेकिन ये शाफ्ट इजीली इसके अंदर स्लाइड नहीं करेगी हमको यू नो एक्स्ट्रा फोर्स यहाँ पर अलग से फोर्स इसमें लगाना पड़ेगा हेल्प ऑफ हैमर या कुछ भी एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर क्योंकि और क्लियरेंस फिट में क्या होता है लूज फिट होती है तो हम बात कर रहे हैं अभी के बारे में समझते हैं ट्रांजिशन फिट के बारे में तो ये होगी आपकी शाफ्ट दिस इज दिस दिस इज होल

क्या हो जाएगी ज्यादा हो जाएगी देन लोअर लिमिट ऑफ द होल शाफ्ट की यू नो अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट इज ग्रेटर देन लोअर लिमिट ऑफ होल अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट लोअर लिमिट ऑफ होल से अगर ज्यादा है तो ये ट्रांजिशन फिट है इसमें क्या हो रहा होगा बच्चे देखो ध्यान से इसके जो टॉलरेंस जोन है ये आपस में मीट करेंगे ओवरलैप करेंगे लिखा हुआ है टॉलरेंस जोन टॉलरेंस जोन ऑलवेज ओवरलैप हमेशा ओवरलैप करेंगे क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया बच्चे जो शाफ्ट की अपर लिमिट है वो होल की लोअर लिमिट से ज्यादा होगी होल की लोअर लिमिट से ज्यादा होगी तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे हमेशा ध्यान रखना हम यहाँ पर लिखेंगे मैक्सिमम क्लियरेंस मैक्सिमम क्लियरेंस कितना हो सकता है देखो यहाँ पर जब यू नो you know, होल की अपर लिमिट हो शाफ्ट की लोअर लिमिट हो तो यहाँ पर आ जाएगा मैक्सिमम क्लियरेंस है ना पहले की तरह अपर लिमिट ऑफ होल माइनस लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट क्या हो जाएगा मैक्सिमम क्लियरेंस अब यहाँ पर मिनिमम क्लियरेंस नहीं होगा

है ना इजिली स्लाइड नहीं कर पाती है इसमें यू नो होल के अंदर जो शाफ्ट है वो इजिली फिट नहीं हो पाती है इजिली स्लाइड नहीं कर पाती है चलिए नेक्स्ट वन इज थर्ड वन इज इंटरफेरेंस फिट इंटरफेरेंस फिट में क्या होगा बच्चे इसमें देखो ये हो गई शाफ्ट है ना ये होगी बच्चे शाफ्ट एक सेकेंड ये हो गई हम बात कर रहे हैं बच्चे यहां पर एक सेकेंड प्लीज यस यहां पर हम बात कर रहे हैं इंटरफेरेंस फिट की किसकी बात कर रहे हैं इंटरफेरेंस फिट के बारे में बात कर रहे हैं तो ये होगी आपका you know, यू नो ये हो गया होल दिस इज द होल तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर मैं इसके टॉलरेंस जोन को दिखाता हूं ये है ब्लू कलर से दिखा रहा हूं मैं शाफ्ट का टॉलरेंस है बहुत ध्यान समझना स्टूडेंट्स और ये है होल का टॉलरेंस अरे वाह ये तो जो शाफ्ट का टॉलरेंस है ये ऊपर चला गया और होल का टॉलरेंस नीचे आ गया मतलब क्या हुआ कि भाई जो लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट थी इस बार तो शाफ्ट की लोअर लिमिट लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट शाफ्ट की लोअर लिमिट अपर लिमिट ऑफ होल से भी ज्यादा हो गई है ना जब शाफ्ट की लोअर लिमिट होल की अपर लिमिट से ज्यादा हो जाती है शाफ्ट का साइज ज्यादा हो जाता है होल के साइज से

यहां पर देखो ये जो शाफ्ट है इसके टॉलरेंस जोन ऊपर चले गए और होल के टॉलरेंस जोन नीचे आ गए तो इसका मतलब ये हुआ कि आपस में मीट तो नहीं करेंगे टॉलरेंस टॉलरेंस जोन जोन लेकिन एक एक दूसरे दूसरे को को क्रॉस क्रॉस कर कर गए गए नेवर मीट बट अदर दोनों के जो टॉलरेंस जोन थे वो क्या कर गए मीट कर गए तो दिस इज ऑल अबाउट दी टाइप्स ऑफ फिट क्लियरेंस फिट इंटरफेरेंस फिट, फिट एंड यू नो ट्रांजिशन फिट चलिए आगे बढ़ते हैं देखिए यहाँ पर न्यूमेरिकल भी आपसे पूछ सकता है और बहुत मुश्किल नहीं है इजी न्यूमेरिकल्स हैं जैसे कि न्यूमेरिकल नंबर वन न्यूमेरिकल वन की अगर मैं बात करूं तो देखो ये साइज आपको दिया हुआ शाफ्ट का और होल का डायमेंशन आपको दे रखी हैं ये होल के लिए डायमेंशन दे रखी हैं बच्चे ये शाफ्ट के लिए डायमेंशन दे रखी हैं तो आप इजीली निकाल सकते हो होल की अपर लिमिट ये ये बेसिक साइज़ है होल का इसमें ये ऐड कर दो तो अपर लिमिट आ जाएगी होल की इसमें ऐड कर दो तो ये लोअर लिमिट आ जाएगी होल की इसी तरह से ये बेसिक साइज शाफ्ट का है तो ये ऐड करेंगे तो अपर लिमिट आएगी ये ऐड करेंगे तो

तीन तरह की फिट आपने पढ़ी एक तो क्लियरेंस फिट दूसरी ट्रांजिशन फिट और तीसरी है इंटरफेरेंस फिट क्लियरेंस फिट में क्या होगा बच्चे हमेशा याद रखना इसमें क्या होता है जो फिट होती है इसमें अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट शाफ्ट की जो अपर लिमिट होती है वो क्या होती है लेस देन होती है लोअर लिमिट ऑफ होल शाफ्ट की अपर लिमिट होल की लोअर लिमिट से कम होती है ट्रांजिशन फिट में क्या होगी और ये अपर लिमिट लोअर लिमिट तो आप निकाल ही लेंगे है कि नहीं नाउ

यू नो ती है तो आप टाइप ऑफ फिट भी बता सकते हैं इसीलिए है ना तो आप इनको क्या करें इन क्वेश्चन को न्यूमेरिकल नंबर वन न्यूमेरिकल नंबर है ना न्यूमेरिकल नंबर भी इसी तरह का है प्रैक्टिस कीजिए घर बैठ करके प्रैक्टिस कीजिए बहुत ईजी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री तो तीन क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर दिए हैं ये आपके लिए होमवर्क है आपके लिए ये होमवर्क है बच्चे ठीक है आप इनको सॉल्व कीजिए स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट लीजिए कैलकुलेटर यूज करना चाहें कैलकुलेटर यूज कीजिए कैलकुलेटर एग्जाम में अलाउड होता है और आप खुद से जब एक बार ट्राई करेंगे होंगे तो बहुत अच्छी बात है नहीं होंगे तो कोई दिक्कत का विषय नहीं है इसका सॉल्यूशन में जो गेटवेज क्लासेस का ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें शेयर करूंगा

और दूसरी बात जो उसके लिए जो ना हाईली स्किल्ड ऑपरेटर चाहिए होंगे क्योंकि मेजरमेंट करते समय अभी हम लोगों ने एरर पढ़ा था उसके अंदर एरर भी आ सकती है येस और नो उसके अंदर एरर भी आ सकती है तो हम मेजरमेंट ना करके हम एक चेकिंग प्रोसेस करते हैं डायमेंशन को हम चेक कर लेते हैं बस डायमेंशन को मेजर नहीं करते हैं हम डायमेंशन क्या कर लेते हैं सिर्फ चेक कर लेते हैं कि उसकी जो डायमेंशन हैं क्या वो अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में है तो वो हम काम करते हैं विद दी हेल्प ऑफ गेजेस

को तो हम चेक कर लेते हैं मेजर नहीं करते चेक करते हैं ठीक है डू नॉट इंडिकेट द एक्चुअल वैल्यू गॉज से हमको एक्चुअल वैल्यू नहीं पता लगती है यू uh, नो you know, किसी भी डायमेंशन की ऑफ एनी कंपोनेंट दे आर ओनली यूज टू चेक वेदर द इंस्पेक्टेड पार्ट है द लिमिट गेज अनलाइक कन्वेंशनल मेजरिंग टूल्स ये मेजरिंग ये मेजरिंग टूल्स नहीं है ये सिर्फ चेक करने के टूल्स हैं सिंपली डिटरमाइन करते हैं वेदर द पार्ट इज इन साइड और आउटसाइड टॉलरेंस जोन द गेज नाइद मेजर अ वैल्यू ऑफ डायमेंशन नॉर शोज द वैल्यू ऑफ एरर इन्वॉल्व इन द कंपोनेंट्स यू नो कंपोनेंट्स के अंदर कितनी एरर है ये भी नहीं बताएगा एक्चुअल डायमेंशन भी नहीं बताएगा बस इतना बताएगा कि वो अपर लिमिट लोअर लिमिट के बीच में है या नहीं है अगर अपर लिमिट लोअर लोमट अपर लिमिट लोअर लिमिट के बीच में डायमेंशन है एक्चुअल साइज है तो वो एक्सेप्टेड है अदरवाइज वो रिजेक्ट हो जाएगा ये सिंपली चेक करता है कि पार्ट इज करेक्ट है और नॉट पार्ट करेक्ट है कि नहीं है ओके okay? तो इस तरह से मैं इसका एक एनिमेशन दिखाता हूँ आपको जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ये जो ब्लू कलर का है ये सॉलिड गेज है है ना ये गो एंड नो गो गेज है और इसके बगल में जो रखा हुआ है ये हॉलो कॉम्पोनेंट है तो सॉलिड गेज होलो कॉम्पोनेंट को यूज करना चेक करने का काम करता है इसके जो हॉलो कॉम्पोनेंट है इसकी डायमेंशन को ये चेक करेगा गो का मतलब है ये हॉलो कॉम्पोनेट से पास हो जाना चाहिए और नो no गो का मतलब है ये हॉलो कॉम्पोनेट से पास नहीं होना चाहिए तो हम कहेंगे कि ये परमिशिबल uh, लिमिट के बीच में इसके डायमेंशन हैं जैसे यहां पर देखिए जरा ये नो गो गेज है ये वाला एंड जो है नो गो गेज है तो ये पास नहीं होना चाहिए ठीक है ये पास नहीं होना चाहिए अगर ये पास नहीं होगा देन इट इज ओके अगर नो गो गेज पास हो जाएगा नो गो गेज का मतलब है कि वो जाना नहीं चाहिए होल के अंदर से और गो का मतलब है वो पास हो जाना चाहिए अब देखिए ये गो गेज है ये इधर वाला गो गेज है गो का मतलब है कि ये इसके होल के अंदर से ये पास हो जाना चाहिए है ना तो देखिए ये पास हो गया इसका मतलब ये जो कंपोनेंट था ये कंपोनेंट एक्सेप्टेड है ये कंपोनेंट एक परमिसिबल लिमिट के बीच में है है ना अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में है इट इज एक्सेप्टेड चलिए वापस आते हैं तो इस तरह से हम समझ सकते हैं जो सॉलिड गेज होते हैं वो हॉलो कंपोनेंट के डायमेंशन को चेक करते हैं और जो हॉलो गेज होते हैं वो सॉलिड कंपोनेंट की डायमेंशन को चेक करते हैं नाउ वॉट इज द नीड ऑफ

तो हम मेज़र कर सकते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से जो कि कॉस्टली है और इसके लिए स्किल्ड ऑपरेटर चाहिए होते हैं नंबर टू दूसरा तरीका ये है कि हम लिमिट आ, लिमिट गेज से हम उनको चेक कर लें क्या वो अपर लिमिट लोअर लिमिट के बीच में उनके डायमेंसन्स हैं कि नहीं है है ना तो जब मास प्रोडक्शन हो रहा होता है तो यू uh, नो you know, उसको मेज़र करना डिफ़िकल्ट होता है है ना मास प्रोडक्शन है नंबर ऑफ कंपोनेंट्स बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं तो मेज़र करना इतना इजी टास्क नहीं होता है इसलिए यहाँ पर आप कुछ देखेंगे एडवांटेज ऑफ गॉजेस है ना फर्स्ट वन क्विकर इंस्पेक्शन मेजरिंग uh, अगर आप किसी टूल से उसको मेजर करोगे डायमेंशन को तो उसमें समय लगेगा टाइम कंज्यूमिंग है जबकि आप इसको चेक कर सकते हैं लिमिट गेज से तो ये क्विकर इंस्पेक्शन होता है यूज इन मास प्रोडक्शन एंड इंटरचेंजेबिलिटी इंटरचेंजेबिलिटी का मतलब ये होता है एक लाख शाफ्ट बनी हुई है एक लाख क्या बने हुए हैं होल बने हुए हैं या ऐसे नट बोल्ट आपने देखा होगा म, मान लीजिए बहुत सारे नट हैं बहुत सारे बोल्ट हैं है ना बहुत सारे नट रखे हुए हैं इधर बहुत सारे बोल्ट रखे हुए तो कोई सा भी नट उठा लीजिए कोई सा बोल्ट उठा लीजिए तो वो क्या हो जाना चाहिए फिट हो जाना चाहिए ठीक है दैट इज नोन एज द इंटरचेंजेबिलिटी नेक्स्ट यहां पर हम बात करते हैं नीड सेमी स्किल्ड ऑपरेटर भाई अगर किसी टूल से मेजर करोगे तो स्किल्ड ऑपरेटर चाहिए अगर आप गेज का यूज करोगे चेक करने के लिए तो सेमी स्किल्ड ऑपरेटर से भी काम चल जाएगा चेक बोथ लीनियर एंड ज्योमेट्रिक फीचर्स हम ज्योमेट्रिक uh, और लीनियर दोनों फीचर से चेक कर सकते हैं और ये इकोनॉमिकल होता है एज कंपेयर टू मेजरिंग लिमिटेशंस क्या हो सकती हैं इसके डिसएडवांटेज डू नॉट इंडिकेट एग्जैक्ट साइज भाई अगर आप किसी टूल से मेजर करोगे एक्जेक्ट साइज बता देगा तो ये एग्जैक्ट साइज नहीं बताता है, है ना ये 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 एरर एरर भी भी नहीं बताता है उसके अंदर हैं। हैं, अब क्योंकि जो two ये भी किसी मेटल के बने हुए तो ये क्या हो जाते हैं? हो सकते हैं इनका, तो एरर आ सकती है इनके वियर होने के बाद है ना ड्यू टू वियर एरर में आकर डिफिकल्टी इन चेकिंग फाइनल टॉलरेंस अगर टॉलरेंस बहुत कम दिया हुआ है कंपोनेंट्स में तो थोड़ा मुश्किल होता है डिफिकल्टी होती है चेक करने में दिस इज ऑल अबाउट लिमिट गॉजेस